अब पहली परफॉर्मेंस है कैमरे ऑन है तो हालत क्या थी आ, हालत ये थी कि मुझे ने कहा कि आपने नहीं देखना कि सामने कौन है अच्छा और बिल्कुल घबराना नहीं है और जो आपको याद है वो कॉन्फिडेंस से आपने गा देना वो गाना क्या था वो तो गाना वो तो सुनाइ वो थी एक उनकी सूफी पंजाबी है जी सर प्लीज रमजाने वेले लो नी के किड़े वेले लगी में लग गई नानी सावल रे रमजाने वेले नी रमजान के लगी आवे लग गई नवलना के केड़े वेले चिट्टे चिट्टे चावल माए विच दुध माझा चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दुध माझा ली तेटोरारा लैके मिया हरे कली ते कठोरारा ले के मिया मया जर लमार रमजाने ला रम रमज़ान के लगी 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 ले ले ले। बात है मैं एक बात, आपको, आपको, बता बात आपको बता दूं और नाजरीन को भी सात साल की उम्र जी सर मैं यही कहने लगा था कि जितनी ये मुश्किल कंपोजिशन है और इतनी बड़ी लेगेसी और यहाँ पे किसी भी फनकार का ये आखिरी गाना होता है

मैंने कहा जी हो गए मतलब मैंने गा ली उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा गा लिया आप वा, 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 वा। तो कौन से ऐसे गाने हैं जिसके बाद आपको स्टारडम फील हुआ महसूस किया आपने जिससे आपको शोहरत मिली आ, मैं बहुत मतलब एक एक, एक, एक अरसा रहा इस तक में और स्ट्रगल जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि रंग रूटी एक एक प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है और गुजरना चाहिए उससे क्योंकि उसमें जारी बात है मुश्किल तो होती है मेहनत भी होती है और आपको पूरी जान मारनी पड़ती है आ, लेकिन यह है कि उससे आपको आसानी बहुत हो जाती है। मतलब मेरी आज तक की जितनी लाइव परफॉर्मेंस है शायद उसी प्रोसेस की वजह से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ हम तीन चार घंटे के शोज भी करते हैं अच्छा एक जो मुलक की शोहरत होती है जो का सवाल है और जो जी मैं वही जो, जो यूरोप और अमेरिका के जब आपके टूर शुरू होते हैं इंटरनेशनल जो आपका गाना है जो आपके घर का गाना है और जो आपके अंदर का गाना 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 है है वो तो आप आप गा रहे हैं हैं जी लेकिन एक ऐसा गाना आप करते हैं जो आपको की बुलंदियों पे ले जाता अच्छा, है। मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग मैं फोक म्यूजिक कर रहा था रिकॉर्डिंग्स भी थी गाने भी अपनी सतह पे वहां चल रहे थे इलाके में या जैसे एक देहाती एक सर्कल के अंदर बड़े मजेदार गाने चल रहे थे फिर मुझे लगा मुझे मैंने मैं जब रोज शोज करता था अबू के साथ भी कुछ मेरे फिर अपने भी शुरू हो गए तो मैं मतलब मैंने ये मैं ये सोचता था कि ये शायद मुझे इस स्टेज से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए मतलब मैं मुझे और और आगे जाना तो वहाँ उस वक्त वहाँ का तो फिर मैं माइकल जैक्सन हो गया ना ये नहीं हर जगह शोज हो रहे हैं पब्लिक है फैंस है तो मैंने एकदम से मैंने अबू से कहा मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच आप मेरे लिए दुआ करें अब मैं लाहौर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके कुछ कुछ और म्यूजिक अच्छा चलता बिजनेस छोड़ के यानी मुझे पैसे भी मिल रहे थे और शोज भी थे तो मैंने कहा कि मैं सोलो फ्लाइट आपने ली मैंने कहा जी मैं अब लेट्स सी किया लाहौर आ गया मैंने कहा लेट्स सी के अब क्या बनता है लेकिन एक तो एजुकेशन का भी था मैंने एजुकेशन के बहाने में निकला वहाँ से मैं जी मुझे ग्रेजुएशन करना है से चनी जिंदा दिलों के से लाहौर आ गए और फिर यहाँ आके यानी म्यूजिक होता रहा चलता रहा बीच में फिर मैंने देखा कि मैंने अब अबू से भी मैंने कहता था कि जी यहाँ यानी वो बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए तो मुझे ये भी होता था कि वहां जाऊंगा तो वो भी एक उन्होंने कहना है कि हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि ये तो तुम्हारी अपनी मार्केट है तुम्हारा अपना सिस्टम है तो खैर मैं डटा रहा फिर एक गाना आया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला करा और वो बग्गा भाई ने उसको म्यूजिक आपसे जी उसका म्यूजिक किया और लिरिक्स उसके जो थे वो हमने एज इट इज़ रहने दिए कंपोजिशन एज इट इज़ रहने दी उसको थोड़ा सा उसकी नोक पलक संवारनी पड़ी ताकि वो थोड़ा और आम फैम हो जाए और वो दैट वाज द ब्रेक थ्रू उससे फिर मुझे पूरी दुनिया में लोगों ने जाना और जिसे कहते हैं ना कि वो एक जो स्टारडम वाली आप बात कर रहे थे वो फिर वहां से वो सिस्टम अच्छा जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिला अगर वो हमें सुना देंगे तो हमें जरा ब्रेक मिल जाएगी और <laughs> <laughs> मैं कब से वेट कि मैं इनसे फरमाइश करूँ जी जी आपकी फरमाइश के बगैर ही मतलब <laughs> चलिए जी बिस्मे सुनाइए कुछ भी हो गए क्यों घो दा क्यों, क्यों माए दादा गिल करा मैं तलखबार करा हो बिस्मिल्लाह करा असा, असा चुन, चुन के यार बनाया शौक खबर केड़ा मुल लगद इन माही सरदार जोए कुछ भी हो गए प्यार जोए क्यों ढोले क्यों माये गिला, गिला करा मैं तो लखबारी करा कर

मतलब मैं लेता हूँ काफी सारी चीजें तो डायमंड्स का ये है कि मुझे यानी वो स्तारे के साथ मिलती हैं शायद ठीक है। जैसे रिकमेंडेड होता है है तो तो वो मुझे सूट करता तो इसलिए मैं पहन लेता अच्छा वो मेरा सवाल वही है कि बिस्मिल्ला लखवरी आपने करना है तो अब कितनी दफा बिस्मिल्ला हो चुका है और जब लाहौर आ गए और गाना हिट हो गया जी तो फिर जो है अच्छा, क्या तो, सिलसिला शुरू हुआ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इसका जो क्योंकि हमारा स्टाइल थोड़ा सा लोकल म्यूजिक का था दौड़ा और माया और यानी टिपिकल अपनी लैंग्वेज के गीत और अपना एक म्यूज़िक का उसका अंदाज भी तो ये बिल्कुल ही उससे अलग एक मॉडर्न सी चीज़ थी उस वक्त और सराकी या हमारा जो लोकल म्यूज़िक था उसकी शायद ये पहली चीज़ थी कि जिसने डोर ओपन किया है यानी इस पूरे कोक स्टूडियो और ये सब चीज़ें बाद में आई और इन्होंने ये, ये हमारी लोकल प्रोडक्शन थी और इसने इंटरनेशनल मार्केट में एक दफ़ा हलचल मचा दी थी म्यूजिक के लिए वो जो दौर था वो तो आप बिल्कुल बने बनाए मॉडल थे खुद भी जी और जो है ना उस वक्त तो दूसरे सिंगर की ख्वाहिश होनी चाहिए थी अगर मैं बना रहा होता कि आप मॉडल हो उनके गानों में तो बिस्मिल्लाह करा हिट हो गया तो खातिन वगैरह पी पीछे फिर उस वक्त शो होस्ट कर रहा हूँ <laughs> जी डेफिनेटली ये इट्स पार्ट ऑफ गेम जब आप आपकी कोई आप दुनिया में आपको नाम और इज्जत मिलती है और आपकी शोहरत जो है वो बढ़ती है तो उसमें डेफिनेटली सब जेंडर्स आपको सुन रहे होते हैं और خواتین जरा ये है कि उनमें ज़ारे मोहब्बत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है मर्द जो हैं वो छुप जाते हैं ये सवाल तो मर्ण... हम सब से ही करते हैं जी خواتین आप हिट हो गए तो पीछे خواتین आ रही होंगी और फैन मूवमेंट्स